सबसे पहले। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय हमलों से आबादी को बचाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। को कमांडर्स का आजम, भारत बलूचिस्तान, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर काबू पा लेगी। भारत पाकिस्तान बिलखसूस आजाद कश्मीर में दहशत गर्दों की माली मुआवनत कर रहा है। किसी भी जारियत से मुल्क को महफूज रखा जाएगा। को कमांडर्स इजलास का ऐलानिया जारी। ज्यादती के मुजरिम को नामर्द करने का कानून लाने की मंजूरी। विफाकी काबीना के इजलास में गुजरा का ज्यादती के मुजरिमों को फांसी की सजा कानून का हिस्सा बनाने का मुतालिबा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, कानून साजी में किसी किस्म की ताखीर नहीं करेंगे। सख्त से सख्त कानून का इतलाक यकीनी बनाया जाएगा। हमने मुआशरे को महफूज माहौल देना है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मंजूरी। पेरोल पर रिहाई की मंजूरी 5 रोज के लिए दी गई। महकमे दाखिला पंजाब ने थ्रू सर्कुलेशन काबीना से मंजूरी दी। मंजूरी की समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल। पेरोल पर रिहाई मैयत के पाकिस्तान पहुंचने के वक्त से शुरू होगी। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी परवेज इलाही और आसिफ जरदारी का नवाज शरीफ को टेलीफोन। वालिदा के इंतकाल पर ताजियत की। चौधरी शुजात ने कहा, आपकी वालिदा इंतहाई मिलनसार और शफीक खातून थी और हमेशा बहुत प्यार से पेश आती थी। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने नवाज शरीफ की सेहत बारे में भी उनसे दरियाफ्त किया। वफाकी वजीर असद उमर कहती हैं, आवाम के रवैये से नहीं लग रहा कि उन्हें किसी बात की फिक्र है। कोरोना की दूसरी लहर इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। हुकूमत के लिए स्कूल्स बंद करने का फैसला आसान नहीं था। 11 जनवरी से हालात देखकर स्कूल्स खुलने का इम्कान है। रेस्टोरेंट्स भी बंद करने का फैसला किया गया है। सिंध में कारोबार शाम 6 बजे तक बंद। कारोबार के औकात कार सुबह 6 बजे शुरू होंगे। तमाम तजारती मराकज जुमा और इतवार को मुकम्मल बंद रहेंगे। नई पाबंदियां 31 जनवरी तक लागू रहेंगी। तमाम सरकारी निजी दफातर पब्लिक मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। मजारात, सिनेमा, थिएटर, जिम बंद। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने पर पाबंदी। खुले मकाम पर रात 10 बजे तक डाइनिंग की इजाजत होगी। वजीर इत्तला'आत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, लॉकडाउन से मुतल्लिक फैसला NCO से इजलास में होगा। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवा रहे हैं। टैक्स निजाम में बेहतरी ला रहे हैं। कराची में सफाई की सूरत हाल बेहतर हुई। जज़ायर पर किसी को गैर कानूनी तामीरात नहीं करने देंगे। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर कोरोना वैक्सीन की तैयारी का अमल शुरू कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने वजारत सेहत को मुरासला लिख दिया। मुशावरत करके तजावीज तैयार करने की हिदायत। वैक्सीन की पाकिस्तान में तैयारी में अमेरिका ताबुन पर रजामंद। लापरवाही और बेएहतियाती, कोरोना बेकाबू हो गया। मजीद 48 मरीजों का इंतकाल। अम्बाद की तादाद 7,740 हो गई। मजीद 2,954 अफराध में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,80,000 हो गए। 3,32,000 मरीज सेहत याब। 40,380 मरीज से रहे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 14,04,000 हलाकतें। 5,97,00,000 मरीज। अमेरिका में 2,63,701, ब्राजील में 1,69,541, भारत में 1,34,256, मेक्सिको में 1,02,000, रूस में 37,000 और सऊदी अरब में 5,800 अमवात।
महकमे स्कूल्स एजुकेशन पंजाब का कहना है कि अगली जमात में तरक्की अब होमवर्क की बुनियाद पर होगी। नर्सरी से पंजम जमात तक होमवर्क बच्चों जारी कर दिया गया। एलिमेंट्री क्लासेस का होमवर्क 26 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। 9वीं से 12वीं जमात के इम्तिहानात मई या जून में होंगे। होमवर्क मुकम्मल ना करने पर बच्चे को अगली जमात में प्रमोट नहीं किया जाएगा। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल मौलाना हनीफ जालंधरी ने ऐलान किया है कि कोरोना वबा में दीनी मदारिस बंद नहीं करेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश के फैसले में विफाकुल मदारिस से मुशावरत नहीं की गई। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नाअहल है। वफाकी वजीर बराए खुराक फखर इमाम कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। खुद को करंथीना कर लिया। नून लीग के रहनुमा कैप्टन रिटायर सफदर का कोरोना टेस्ट तीसरी बार भी मस्बत आ गया। वजीर आला पंजाब और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की मुलाकात। पंजाब में सी पैक के तहत जारी मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक बातचीत। लाहौर में चाइना सेंटर सी पैक टावर बनाने की तजवीज पर इत्तफाक। ज़रई शोबे से मुतालिक रिसर्च को फरोग देने के लिए इकदाम उठाने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं सनतकारों सरमायाकारों के लिए इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं मौजूदा हुकूमत बैठी रही तो मुल्क के लिए खतरात मजीद संगीन हो जाएंगे। पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बुरा हाल कर दिया। हुकूमत कहती है ओपोजिशन के जलसों में 2000 लोग आते हैं, अगर ये बात मान ली जाए तो फिर इतने कम अफराद से कोरोना क्यों फैलेगा। हायर एजुकेशन कमीशन ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान कर दिया। HEC ने 2018 के बाद तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार दे दी। अब किसी भी कॉलेज से BA, BCom, BSc की डिग्री नहीं मिलेगी। HEC 31 दिसंबर 2018 के बाद ऐसी किसी डिग्री को तस्लीम नहीं करेगी। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल फसी बुखारी का इस्लामाबाद में इंतकाल। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नयासी का इजहार ताजियत। एडमिरल फसी बुखारी 1997 से 1999 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। मुल्क के शिमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी, दर्जा हरारत मजीद गिर गया। मरी और गलियात की बालाई चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। अयूबिया, नथिया गली, शांगला गली और बाड़िया में बारिश और बर्फबारी। स्कर्दू में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत -6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। हुंजा में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सीपैक मंसूबा पाक चीन राबितों में मुआवन। चीनी वजारत खारजा ने पाक चीन इक्तसादी राहदारी को 2 तरफा तालुकात में मजबूती का संगे मील करार दे दिया। चीनी वजारत खारजा का गवादर में तरक्याती कामों पर इजहार इत्मीनान। बीजिंग गवादर में तरक्याती कामों पर हुकूमत पाकिस्तान की मोतरफ। ना करते आखिर ट्रंप ने हाँ कर दी। अमरीकी सदर इक्तदार की मुंतकली पर रजामंद। ट्रंप ने शिकस्त तस्लीम कर ली। बोले जो बाइडन जीत गए मगर इंतखाबात में धांधली हुई। डेमोक्रेट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। होसी बागियों का सऊदी शहर जद्दा में तेल की तंसीबात पर हमला। ऑयल टैंकर्स तबाह। तेल के जखीरे में आग भड़क उठी। मुल्क भर में तेल की सप्लाई मुतासिर हो गई। रेस्क्यू इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। ट्रंप की जानिब से कोरोना को चीनी वायरस करार देने पर आलमी इदारा सेहत की अमरीकी सदर को तंबीह। ट्रंप मामले को सियासी बनाने से बाज रहे। वक्त आलमी इत्तेहाद का मुतकाजी। इल्जामात की सियासत से गुरेज किया जाए। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का ट्रंप को पैगाम।
और दुनिया की 100 बाअसर खातीन की फहरिस्त जारी, दो पाकिस्तानी खातीन भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म की मुआवन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर नॉलेज और पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान तख्लीकी सलाहियतों की कैटेगरी में शामिल।